सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें। यार ये सर्वर को कंट्रोल मेहरबानी करें अपने आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसने ना चाहिए। ऑडियो लीक हो गई या कर दी गई, पीटीआई और काफली के ताल्लुकात में नई करवट। जहांगीर तारीन की काफली के रहनुमाओं से मुलाकात। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को कंट्रोल करें। चौधरी परवेज इलाही ने साफ साफ कह दिया, गवर्नर ने वजीर आला को चलने नहीं देना। तारिक बशीर शीमा ने भी चुप तोड़ दी, कहा मेरे हल्के में मुदाखलत होगी तो वजीर आला को शिकायत कर दूंगा। कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। जहांगीर तरीन से शिकायत करने के बाद चौधरी परवेज इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तारिक बशीर चीमा को पुराना शिकवा है कि उनके हलके में मुदाखलत होती है, गुस्सा दूर ना हो तो फिर वो खुफिया राय शुमारी में निकलता है। किसी शिकायत के अजाले का फायदा पीटीआई को ही होता है। स्पीकर पंजाब असेंबली बोले, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार को सपोर्ट कर रहे हैं, वो धड़ल्ले से फैसले कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन पर अमल पैरा है। उस्मान बुज़दार मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार है। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार सूबे में तब्दीली के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नर सरवर का ट्वीट। माशरे के बेयारो मददगार लोगों के लिए पनाह का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रेलवे स्टेशन पर पहले शेल्टर होम का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब में वज़ीर-ए-आला पंजाब समेत पीटीआई के रहनुमाओं की शिरकत। एचरा दरबार चुबर्जी और शहदारा में भी शेल्टर होम बनेंगे। मुसाफिर खानों की निगरानी के लिए खसूसी बोर्ड तश्कील देने का भी ऐलान। जल्द काम शुरू करने पर वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद। DGLD आमना इमरान खान की भी तारीफ। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, इसके फैसलों पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारे पास वसाइल की नहीं एहसास की कमी है, इमरान खान। शेल्टर होम फलाही रियासत की तश्कील के जानिब पहला कदम। हमें कर्जों का पहाड़ मिला, अल्लाह का शुक्र है मुल्क दिवालिया होने से बच गया। जल्द ही गुरबत खत्म करने का पैकेज लाएंगे। इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। कहा करप्शन के बारे में कल हैरान कुन इंकशाफ करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आला को एक बार फिर अल्फाज़ी थपकी दे दी। बोले उस्मान बुज़दार के इंतखाब पर लोगों को खदशात थे, हमारा मकसद इक़्तिदार से बादशाहत को तासुर खत्म करना है। मैं क्रिकेट में खिलाड़ी चुनता तो कोई इंजमाम और कोई वसीम अकरम बनता। सियासत के मैदान में उस्मान बुज़दार भी इंशाअल्लाह वसीम अकरम बनकर निकलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ीर-ए-आला पंजाब से वन ऑन वन मुलाकात हुई। सूबाई काबीना के अजलास की भी सदारत। आम आदमी की ज़िंदगी में वाज़ह तब्दीली पैदा करने पर तबादला ख्याल। सूबा पंजाब में तर्ज हुकूमत के बारे में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। पंजाब हुकूमत की सारी तवज्जो आम आदमी की ज़िंदगी बदलने पर होनी चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म की हदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की लाहौर आमद, ट्रैफिक का धड़न तख्ता हो गया। मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक शदीद दबाव का शिकार। ऑस्ट्रेलिया चौक, मैकलोड रोड, ब्रांडरथ रोड, गाड़ियों का बम्पर टू बम्पर मंजर। सर्कुलर रोड, एक मोरिया पुल, दो मोरिया पुल, लारी अड्डा और दीगर सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। सिक्योरिटी के बायस रेलवे स्टेशन के अतराफ में दुकानें और मार्केट्स बंद। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में चौथी पेशी, चौथी बार जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। 24 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हिसार में एहतसाब अदालत में लाया गया। कड़ी सिक्योरिटी में अदालत से नैब ऑफिस ठोकर न्यास में मुंतकिल किया गया। कमरा अदालत में तफ्तीशी ऑफिसर और शहबाज शरीफ के दरमियान तलकलामी। शहबाज शरीफ तफ्तीश के दौरान घूरते हैं और धमकियां देते हैं। तफ्तीशी ऑफिसर ने एहतसाब अदालत में शिकायत लगा दी, मुझे घूरने और धमकियां देने की कोई ज़रूरत नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आला का जवाब। फिजिबिलिटी से मुतालिक पूछा तो जवाब मिला, LDA से तफसीलात लें। बतौर अपोजिशन लीडर चैम्बर्स में तफ्तीश मुमकिन नहीं थी। तफ्तीशी ऑफिसर के दलाइल, हल्फन कहता हूँ नैब हुकाम वहाँ भी तफ्तीश करते रहे। शहबाज शरीफ का जवाब।
शहबाज शरीफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा, एक और केस में गिरफ्तार। नैब ने आशियाना के बाद रमजान शुगर मिल केस में भी गिरफ्तारी डाल दी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड देने की नैब की सदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का एक और बार फिर एहतजाज। पुलिस एहलकारों के साथ धक्कम पेल, अदालत में दाखिल होने की कोशिश की गई। पुलिस के साथ एंटी राइट फोर्स और रेंजर्स को बुलाना पड़ा। हमजा शहबाज, ख्वाजा इमरान नज़ीर, अली परवेज मलिक, चौधरी शहबाज भी पहुंचे। खातिन कारकुन भी सरापा एहतजाज रही। लीगी रहनुमाओं ने गिरफ्तारी नाजायज करार दे दी। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से वकला नुमाइंदा कन्वेंशन, वकील राय नवाज की हंगामा आरई से कन्वेंशन बदनस्मी का शिकार। हंगामा आरई से कन्वेंशन की मजीद कार्रवाई रोक दी गई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इनवार उल हक सूरत हाल की संगीनी के बायस तकरीर किए बगैर रवाना। डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत तीन प्रोफेसर कैंप जेल से रिहा। जमानत मंजूरी के तीन रोज बाद जेल हुकाम को रूबकार मिली। डॉक्टर मुजाहिद कामरान की अहलिया और वकला तहरीरी हुक्म लेकर जेल पहुंचे। उसातजा की जानिब से इस्तकबालिया गुलदस्ते पेश किए गए। मुजाहिद कामरान ने कहा, साबित हो गया मुझ पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद थे। नैब के कानून में मुकम्मल तरमीम की जरूरत है। दाता दरबार के सामने अमले ने मुसाफिर खाना की तामीर के लिए 17 दरख्त काट दिए। लाहौर न्यूज की खबर पर एक्शन, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का दरख्तों की कटाई का नोटिस, हुकाम से जवाब तलब। दाता दरबार के सामने मुसाफिर खाने की तामीर के लिए काम जारी। बुलडोजर, रूलर, क्रेन और ट्रैक्टर्स की मदद से तामीराती काम। सियासी दबाव या कुछ और, बैंक ऑफ पंजाब के सदर नईमुद्दीन खान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कोई दबाव नहीं, इस्तीफा जाती वजूहात पर दिया। 10 साल मुद्दत पूरी कर ली। 60 अरब रुपए डिफॉल्टर्स केसेस नैब और कोर्ट में है साबिक सदर बैंक ऑफ पंजाब। असातजा के तबादलों पर पाबंदी का मामला, सूबाई वजीर तालीम मुराद रास की कलाबाजियां। पहले वजीर आला ऑफिस पर पाबंदी का मलबा डाला, अब दोबारा ट्वीट में कह दिया तबादले पुराने शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की डिग्री का मामला, हायर एजुकेशन कमीशन के पेशावर रीजनल ऑफिस ने डिग्री की तस्दीक कर दी। अलखैर यूनिवर्सिटी के जारी करदा असल डिग्री एरियल फॉन्ट में है। कलर कॉपी का दानिस्ता तौर पर कैलबरी फॉन्ट में तब्दील किया गया। डीजी नैब पटवारी माफिया के निशाने पर हैं तर्जुमान नैब। हर तरफ तो चोर है, नैब अकेला क्या करे। हर चोर अपने आप को चौकीदार समझता है। करप्ट सियासतदानों का खात्मा देख रहा हूँ। नए साल में नए चेहरे उफक पर उभरेंगे। ईंधन की कीमतों में इजाफे के बावजूद किराए नहीं बढ़ाए। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेलवे हेडक्वार्टर्स में इजलास, ML1, 2, 3 और फ्रेट से मुतालिक मुशावरत। तो मर्द घर से जाता है औरत घर से नहीं जाता। तो मैंने पूछा, हाँ जी क्या बात है? क्या जी मेरा बेटा आज गया था और आपने उसकी बड़ी इंसल्ट की है, आपने उसको ये कहा है, वो बेचारा जब से आया रो रहा है कि डांटे कहा किसको, इस पर फर्श भी साफ करवाओ, ये भी करवाओ। तो बहरहाल मैंने बेगम साहबा से कुछ नहीं कहा, मैंने बेटे को फिर एक साइड पर ले गया। मैंने कहा, बेटा जो मैंने आपसे कहा है ये तुम्हारी बेहतरी के लिए। हुकूमत जामियात के अमूर में सियासी मुदाखलत नहीं करेगी। माजी को ना भूलें, नौजवान ही मुल्क का मुस्तकबिल है। गवर्नर पंजाब का तकरीब से खिताब, पंजाब यूनिवर्सिटी का 126वां कॉन्वोकेशन। गवर्नर ने तुलबा में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए। पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब की दिलचस्प बातें। बोले, बेटे से लंदन में स्टोर पर सफाई सुथराई का काम कराया तो बेगम नाराज। तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का तीसरा रोज। रहमतों की बरसात, माह रबीउल अव्वल की आमद। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मोहलपुरा से बागबानपुरा तक मशल बरदार रैली। शुरका ऊंटों, घोड़ों, बगियों पर सवार, फजा दुरूद सलाम से मुअत्तर। यूनिवर्सिटी ऑफ
سینٹرل پنجاب الیکٹرانک میڈیا میں طلبہ کی رہنمائی کے لیے پیش دوسرے نیوز اینکرنگ اینڈ پروگرام ہوسٹنگ کورس کی اختتامی تقریب پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ شخصیات کی شرکت ڈاکٹر مغیث الدین شیخ نے کہا میڈیا اسکول نے جدید تعلیم و تربیت میں نئے رجحانات کو فروغ دیا اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن اور گلوکار شفقت امانت علی بھی کھلاڑیوں کا لہو گرمانے ہاکی اسٹیڈیم پہنچے قومی ترانہ گایا کھلاڑیوں کی جانب سے شاندار ویلکم مہمانوں کے ساتھ تصاویر بنائیں